जो इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं वो है हेल्पिंग वर्ब्स। इंग्लिश में टोटल 27 हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो कि हमारे सामने लिखी हुई हैं। जैसे लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, बी, बीइंग, बीन। ये जो लेफ्ट साइड पे ब्लू कलर में लिखे हुए हैं हेल्पिंग वर्ब्स, ये टोटल 14 हैं। और इन 14 को हम लिखते हैं जनरल हेल्पिंग वर्ब्स, जनरल हेल्पिंग वर्ब्स लिखते हैं हम। और जो हमारे राइट साइड पे लिखे हैं विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड टू, डेयर टू, नीड टू एंड ऑट टू, जो ये हमने राइट साइड पे लिखे हुए हैं इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोडाल्स। मोडाल्स हैं तो लेफ्ट साइड वाले जनरल हेल्पिंग वर्ब्स हैं, राइट साइड वाले मोडाल्स हैं। मोडाल्स इंग्लिश में टोटल 13 है और जो जनरल हेल्पिंग वर्ब्स हैं 14 है, तो टोटल बनकर मिलते हैं 27। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इंग्लिश में टोटल 27 हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डस, डिड, बी, बीइंग, बीन, विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, डेयर टू, नीड टू एंड ऑट टू। ये हेल्पिंग वर्ब हमें इंग्लिश में सिंपल से सिंपल बात भी करनी है तो हमें जो पहली चीज़ चाहिए वो है हेल्पिंग वर्ब। चाहे हमें इंग्लिश को पढ़ना हो, दैट इज़ रीडिंग, चाहे हमें लिखना हो, दैट इज़ राइटिंग, चाहे हमें बोलना हो, दैट इज़ स्पीकिंग, हम बिना हेल्पिंग वर्ब के इनमें से कोई भी काम नहीं कर सकते। 99% सेंटेंसेस लिखने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है सेंटेंस की, यूनिट है ये। तो 27 हेल्पिंग वर्ब है, जनरल हेल्पिंग वर्ब्स एंड मोडाल्स। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हम इसका यूज़ समझ सकें। जैसे अभी इसमें हमने पढ़ रखा है कि इंग्लिश एग्जांपल्स गिवन है कि ताकि हम इनका इम्पोर्टेंस को समझ सकें। जैसे बहुत सारे मीन्स लोग ऐसा बोलते हैं कि इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर सीखने की ज़रूरत नहीं है, बट बिलीव मी, ग्रामर इज़ द बैकबोन ऑफ एनी लैंग्वेज। भाषा का जो आधार है वो व्याकरण ही होता है, व्याकरण के बिना भाषा नहीं चल सकती। जैसे अब आप देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब्स को यहाँ पे, क्या तुम तैयार हो, आर यू रेडी। अब देखो आर क्या, एक हेल्पिंग वर्ब है। तुम कल कहाँ गए थे, वेयर वर यू यस्टरडे। अब यहाँ पर देखो वर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। मैंने तुमसे कहा था, आई हैड टोल्ड यू समथिंग। नाउ हैड इज़ अगेन अ हेल्पिंग वर्ब। देखो आप कोई भी सेंटेंस लिख रहे हो तो हेल्पिंग वर्ब्स आ रही हैं। आपकी समझ में क्यों नहीं आता, वाई यू डू नॉट अंडरस्टैंड, डू नॉट क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ऐसे ही आप कुछ और एग्जांपल्स देख सकते हो जो बड़े सिंपल एग्जांपल्स हैं हेल्पिंग वर्ब्स के। जैसे लिखा है पहला एग्जांपल, आई एम गोइंग टू स्कूल। यहाँ पर आप देख सकते हो एम, एम क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट आप वर्ड देखो, आई एम गोइंग टू स्कूल, एम हेल्पिंग वर्ब है। ही हैड हेल्प मी, हैड अगेन हेल्पिंग वर्ब है। वी शुड रिस्पेक्ट आर कंट्री, शुड बी एक हेल्पिंग वर्ब है, मोडाल है। और मोडाल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। हमने देख लिया वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, जैसे कि प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेस। और मोडाल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती होती है। आई वॉज इन मुंबई लास्ट ईयर, वॉज इज अगेन अ हेल्पिंग वर्ब। दे कैन डू एनी थिंग, कैन इज अगेन अ हेल्पिंग वर्ब, मोडाल। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स देखे कि टोटल 27 हेल्पिंग वर्ब है, और कुछ एग्जांपल्स देखे ताकि हम ये समझ सकें कि बिना हेल्पिंग वर्ब के हम इंग्लिश नहीं सीख सकते। ये बहुत बेसिक चीज़ है, बाकी हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।